राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब पढ़ाई के साथ साथ कैरियर मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, जिसके आधार पर अब बच्चे पढ़ाई करते करते ही अपने करियर और सफल जीवन हेतु उचित मार्ग का चयन व अनुसरण कर सकेंगे। जिसके लिए मंगलवार को जुबली इंटर कॉलेज के सभागार में करियर मार्गदर्शन प्रोग्राम का उद्घाटन विधायक विपिन सिंह के कर कमलों द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की रचनात्मक सोच का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और इस पूरे कार्यक्रम का प्रायोजन हीरो फिनकॉर्प और रमनकांत मुंजाल फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, जिसका क्रियान्वयन आसमान फाउंडेशन व ड्रीम नामक विख्यात संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। मुख्य अतिथि विधायक विपिन सिंह ने शिक्षकों को प्रशिक्षण को गंभीरता पूर्वक करके छात्रों को नवीन दिशा प्रदान करने के लिए कर्तव्य निष्ठा पूर्वक अपने दायित्व बोध से परिचित होने का संदेश दिया, जिससे हम अपने राष्ट्र को प्रगति पर अग्रसर कर सके। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने शिक्षकों का उत्साहवर्धन करते हुए समस्त शिक्षकों को ऊर्जा पूर्वक कक्षा 9 से 12 तक के समस्त छात्रों को उनकी अभिरुचि एवं पारिवारिक स्थिति के अनुरूप करियर काउंसलिंग करके अध्ययन के क्षेत्र को व्यापक बनाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में छात्रों को विशेष रूप से आगे बढ़ाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने विभिन्न विद्यालयों के मेधावी छात्रों की सूची बना करके समय समय पर प्रशासन के साथ संयोजन करने के लिए भी जागरूक किया। छात्रों के जीवन में विविध आयामों के द्वारा रोजगार परक शिक्षा प्राप्त हो सके, इस हेतु शिक्षकों को छात्रों का आकलन विद्यालय समय अवधि में शिक्षण के साथ साथ करने हेतु भी प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जिला समन्वयक समग्र शिक्षा विवेक जायसवाल ने बताया कि प्राथमिक चरण में जनपद के 21 राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 10,000 विद्यार्थियों का करियर मार्गदर्शन जनपद प्रशासन के तत्वाधान में नवंबर माह में किया जाएगा। इस करियर गाइडेंस प्रोग्राम का उद्देश्य छात्रों को आगामी भविष्य में अपनी क्षमता वर्षों के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर अधिक रोजगार परक करियर विकल्पों में से सटीक विकल्प का चयन कर आना और उसका अनुसरण करके अपने कार्य और जीवन को सफल बनाना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह और विधायक विपिन सिंह ने कहा, तो मूल रूप से हमारे ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट्स को स्कूली प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे देश में जिला स्तर पर बताएं। थैंक यू सर। आपके साथ मिलके आपके बच्चों का एक साइकोमेट्रिक कि आपको इस टीम के साथ घंटे के सेशन में और जो आगे जो भी फ्री ऑनलाइन सर्विसेज आपको दी जाती है उसमें जो भी साइकोमेट्रिक टेस्ट लिए जाएंगे उसको बड़ी ईमानदारी से दीजिए। एक इंडिकेशन आपके रुझान जो अभी तक आपने लर्न किया है, जितनी पढ़ाई की है या आपकी जो पर्सनैलिटी अभी तक बनी है वो किस जॉब को किस करियर को सूट करेगी, एक इंडिकेशन आज ही आपको दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा योगदान आपके आने वाले भविष्य के लिए होगा, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल लाइफ में इस चीज़ को महसूस किया है कि ये अगर कोई सातवीं या आठवीं से आपके रुझान को पकड़ने लग जाए, चाहे वो आपके पेरेंट्स, चाहे वे आपके रिश्तेदार, चाहे आपके टीचर, और उस फील्ड के लिए आपको इंकरेज करें, तो जैसे अभी IIT की टीम के हेड ने भी बताया कि जो हम आगे जाके लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं करियर इंटरेस्ट ना होने के कारण, तो ऐसी समस्याएं कभी नहीं है। एक बहुत कॉमन एग्जांपल सब लोग देते हैं सचिन तेंदुलकर जी की, कि अगर उनको क्रिकेट की जगह कुछ और दिया होता या लता मंगेशकर जी को सिंगिंग की जगह कुछ और उनके पेरेंट्स ने दिया होता तो शायद वो उतने सक्सेसफुल ना होते जो उनका नेचुरल टैलेंट या उनकी जो इंटरेस्ट थे जो मैच है। तो इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है उसको समझाने के लिए मैंने ये दो एग्जाम्पल्स दिए। दो तीन और एग्जाम्पल दूँ, मान लीजिए अगर 12th के बाद एयरफोर्स में जाना था, एयरफोर्स एक SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की इंटरव्यू देती है, पहले NDA का एग्जाम होता है, ग्रेजुएशन के बाद जाते हो CBS का एग्जाम होता है, तो वो आपका फर्स्ट डे जाते ही स्क्रीन आउट करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद एक PAVT टेस्ट करते हैं, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। हर कोई पायलट नहीं बन सकता, उस पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में जो क्वालिफाई करता है उसकी फर्दर इंटरव्यू की जाती है,
क्योंकि सरकार आपको सरकार ना आप अगर किसी को पायलट अनफिट बनने को या जिसकी जो उसकी सुटेबिलिटी को सूट नहीं करता, अगर उसको वो पायलट का जॉब दे देगी बहुत बड़ा नुकसान कर लेगी, क्योंकि एक तो इतना कीमती प्लेन उसको दे दिया है और उस प्लेन को जब वो फ्लाई करेगा और मान लो कहीं गलती का क्रैश हो गया तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको समझ नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। दो एग्जाम्पल सुन रहा है, एक पायलट है एक डॉक्टर। आप अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो कोई आपने ऑपरेशन करवाना है तो आप इतना जरूर एक्सपेक्ट करो कि वो अपनी फील्ड का एकदम एक्सपर्ट हो और अपने कार्य में एकदम निपुण हो। वैसे तो ये हर फील्ड में होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे प्रोफेशन है जिसमें हर कोई ये अपेक्षा जरूर करता है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो समाज का। तो इन सारी सिचुएशन जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आगे जो सेंचुरी आ रही है 21st सेंचुरी, ये सेंचुरी स्टेम की, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक और उसमें जोड़ दिया गया आर्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो इन स्किल सेट को अगर आप अभी से माइंड में नहीं रखेंगे तो फिर फ्यूचर में थोड़ा चैलेंज है। साथियों, कल जैसे साथ फोन किए कि कार्यक्रम आपको करना है, क्योंकि हम लोग का शेड्यूल बिजी रहता है, योगी जी के शहर से हम लोग मिले हैं, हमने कहा नहीं ठीक है बच्चों के बीच में आना है तो निश्चित ही हम आएंगे। और जहां बच्चों के करियर सवारने की बात हो तो उस कार्यक्रम में तो आना लाजमी है। मित्रों, आप सभी को बहुत सी जानकारी हमारे साथी मंच के माध्यम से आपको दिए हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि आपके दिमाग में जो आ रहा है वही करिए। माँ बाप अगर कहते कि नहीं आपको ये करना है, जैसे हमारे साथी आपको बताए हैं, तो ठीक है उस समय उनकी बात मान लीजिए, हो सकता है बात आगे बढ़ जाए, लेकिन जब वो फिर अगले दिन दो तीन बाद अगर वो अच्छे मूड में हो तो आप उनसे कहें नहीं पापा नहीं मम्मी आपने जो कल बात कही थी वो अच्छी, लेकिन इसको ऐसे अगर करते आप इसे एम एल ए के चलता तो निश्चित है आपके गार्जियन आपकी बात से सहमत हो जाए। तो इस ढंग से जब आप काम करेंगे तो निश्चित साथ ही परिवार भी आपके साथ रहेगा। और मोबाइल का उपयोग करिए लेकिन उसको सार्थक भावो, अनावश्यक गेम न खेलें, क्योंकि आप देखिए आपके प्रधानमंत्री जी आपके मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा देश इतना बड़ा प्रदेश संभाल रहे हैं, आप लोग अपना भविष्य तलाशिए। मित्रों, नहीं चंद दिनों की बात है, दो चार छह साल बाद अगर आप अपने करियर के बारे में नहीं सोचेंगे तो निश्चित है साथियों आपके लिए दिक्कत होगी। माँ बाप के लिए नहीं, आपके लिए खुद आप करियर अपना संवारते हैं। तो मित्रों जरूर सोचिए आप, और हर कोई लक्ष्य नहीं प्राप्त कर लेता कि हमारे आई बन जाए आईपीएस बन जाए। जैसे सीडीओ साहब बैठे हुए हैं गोरखपुर में, हम लोग का सौभाग्य है सीडीओ साहब बहुत अच्छा काम करते हैं और मित्रों में हजार परसेंट कार्य की साथ करता हूं, ऐसे अधिकारी भारत के लिए गौरव की बात है। ऐसे हम लोग के बारे में लोग बातें करते हैं, ऐसे सीडीओ साहब आप भी डाल लीजिए, आपके बारे में हम लोगों को भी जानकारी पल पल की होती है, तो ऐसे लोग गौरव की बात है। साथियों, अगर अभी 2025 तक जैसा बताया जा रहा है कि आप तकनीकी क्षेत्र में जाएंगे तो 2,20,00,000 समथिंग नौकरियां आपको मिलेंगी। तो आप देखिए मैं जब हमारा पूरा देश आपका इतना आगे बढ़ रहा है to pursue.
देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि देश बदल रहा है, भारत में बहुत परिवर्तन है, उसी तरह से हम हर कोई बच्चा जो है IAS IPS नहीं बन सकता है, वो लक्ष्य नहीं पा सकता। इस नाते जो हम 5G आने वाला है उसमें बच्चों को जिस इधर उसका उनका मूड होगा, जिधर जाना चाहते हैं यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी च्वाइस पता चल जाएगी, तो उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ेंगे और करीब 2025 तक करीब 2,20,00,000 नौकरियाँ जो है उस सेक्टर में भारत में आने वाली हैं, तो इस नाते सबको रोजगार मिलेगा और निश्चित हम अपने देश का भविष्य भी उससे उज्जवल कर सकते हैं। यही हमारे आज के ट्रेनिंग का भी मेन उद्देश्य है। अब हमारी बहनों को जो शिक्षक साथी हैं, हमारे शिक्षक, उनको ट्रेनिंग और बच्चों को ट्रेनिंग आज से शुरू हो गई है और निश्चित है इससे हम देश में काफ़ी परिवर्तन नहीं, हम लोग तो भाई हम लोगों के समय शिक्षा का उतना हम लोग अभाव था, नहीं कर पाए। आज तो नई नई तकनीक है, आप उससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। आप सोचें पहले के प्राथमिक विद्यालयों में आज के प्राथमिक विद्यालयों में कितना अंतर हुआ है। हम लोग पढ़ते थे तो टाट पर बैठ के पढ़ते थे, आज जो है उनको बेंच है, टेबल है, अच्छे शिक्षक मिले, सब जितने हमारे शिक्षक भर्तियाँ हो रही हैं सब एक से एक हैं शिक्षक हमारे आज आ रहे हैं, और उनके अंदर ये भाव है कि हम बच्चों के भविष्य को और उज्जवल करें। प्राथमिक विद्यालयों में देखिए, मैंने गांव स्तर पर जाइए तो देखिए कितना सुधार हुआ है, तो निश्चित है उनका भविष्य उज्जवल होगा। ऐसा सरकार का प्रयास है, हमारे अधिकारियों का प्रयास है, उनके लिए कुछ किया जाए, समाज के लिए कुछ किया जाए। इसमें जो हमारे अभी जो पहले हमने फर्स्ट फेज में करियर गाइडेंस पे स्कूल्स लिए हैं वो हमारे 21 माध्यमिक शिक्षा के जो परिषदीय विद्यालय हैं उनको लिया गया है, जिसमें 9,800 बच्चे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के हैं, जिनका हम लोग आई ड्रीम्स अकेडमी के थ्रू और खान अकेडमी की हेल्प से एक साइकोमेट्रिक टेस्ट कराएंगे और उस टेस्ट से उनके रुझानों को देखते हुए उनको किन किन करियर्स में उनका इंटरेस्ट है वो एक रिपोर्ट उन सब बच्चों को दी जाएगी। और इसमें जो सहयोग कर रहे हैं हमारे साथ वो हमारे पूरे 3 NGOs हैं, एक आसमान करके है और एक आई ड्रीम्स है और एक मुंजल एकेडमी करके हैं, तो ये लोग हैं। और खान एकेडमी जो है, जो बच्चे इसमें अच्छा निकलेंगे जिसको साइंस में या अलग अलग सब्जेक्टों में चाहिए उनको वो फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। उसमें जो आने वाले 21st सेंचुरी और नई शिक्षा नीति निपुण भारत के अंतर्गत जो आगे हमें स्किल चाहिए 21st सेंचुरी भारत के लिए, उसके लिए हम लोग ओरिएंट करने के लिए बच्चों को उनकी जानकारी देने के लिए सबसे ज़्यादा टीचर्स को उसमें पूरी नॉलेज देने के लिए ताकि टीचर बच्चों को गाइड कर सकें, उनकी ट्रेनिंग का सेशन आज करवाया गया।